आशा कोई मेरे नाम कर दिया। छोटे से प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के छोटे से राज्य से लेके अभी तक आप तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर्स है द कंट्री, तो ये जर्नी से इंटरेस्टिंग रहा है और मैंने तो कभी आदमी एज एन आर्टिस्ट तो आदमी कभी उतना सोच नहीं पाता है कि आदमी कहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन एक धुन होती है आदमी का। और हालांकि कॉलेज में मैंने साइंस पढ़ा, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, पर संगीत जो था और आर्ट जो था वो हमेशा मेरे साथ रहा। तो वो अपने गीत बनाने का शौक हमेशा लगता था कि कुछ ओरिजिनल गाया जाए। और भी मैं गीत बहुत सुनता था, गाता था। किशोर कुमार साहब मेरे बहुत फेवरेट, एक तरह से गुरु ही बोलूँगा मैं उनको हमारे, क्यों उनके गीत सुन सुन के सीखा है मैंने, क्योंकि मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है संगीत में। तो उसके बाद फिर हमारा एक बैंड बना सिल्क रूट था, जिसका गूंजे एल्बम था, डूबा डूबा गाना ये सब। तो वहाँ से मेरा सफर, आँखों में तेरे, 98 में रिलीज हुआ था, 98 में रिलीज हुआ था। तो वो गीत मैंने लिखा था और फिर मैंने अपने बैंड में उसको गाया था और उसका वीडियो आया था डूबा डूबा करे। तो वो मेरा पहला एक शुरुआत था प्रोफेशनल म्यूजिक में, और इस साल 25 साल हो गए हैं उस गीत को आए। तो जर्नी मस्त रहा, इंटरेस्टिंग रहा। आपने जैसे किरान अहमद सर के साथ काम किया, प्रीतम सर के साथ भी काम किया, काफ़ी सारे कंपोजर्स के साथ, तो आपको सबसे अच्छा गीत किस लगा? और सबके साथ अच्छा लगता है, बिकॉज क्या होता है कि आदमी को जब अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप काम करते हैं तो आपको एक अलग तो अलग धुन है, अलग एक फील होता है हर गाने का। तो एज एन आर्टिस्ट आपको एक्साइटिंग लगता है वो, और आप चाहते हैं भी मैं उस गीत को निभा पाऊँगा या अच्छे से निभाऊँ। तो सबके साथ बहुत आनंद आता है, डिफरेंट डिफरेंट गीत गाने का, डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स का काम करने का। जैसे कि कथाकार ये आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 13 साल से, तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप राइटर्स को सामने लाना चाहते हैं? देखिए, स्टोरी टेलिंग हमारा जो ये फेस्टिवल है, ये 16th एडिशन है और ये ओरल परफॉर्मेंस स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल है। तो जैसे कहानियाँ होती हैं जो आपके नाना नानी दादा दादी घर में बच्चों को कहानी सुनाते हैं और फिर आप अपने बच्चों को आगे सुनाते हैं, या घर में जो बच्चे होते हैं या मोहल्ले में जो बच्चे होते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, आप उनसे कहानियाँ सुनाते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो कहानियाँ जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। और हमारे जो कल्चर है, इतनी पुरानी हमारी सभ्यता है, तो बहुत बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं हमारे हमारे जीवन के साथ। पुरानी जो कहानियाँ हैं, चाहे राजा महाराजाओं की कहानियाँ हों, चाहे विक्रम बेताल हो, चाहे जादूगर की कहानियाँ हों, लोकल जो फोक लोर होता है, जो लोकल जो लोक कहानियाँ होती हैं वो होती हैं, जो गांव में बच्चे लोग सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, तो उससे हमको विजडम भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, मनोरंजन भी होता है और सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उससे आपका जो कल्पना है आपकी, उसको पंख लगते हैं। तो वो जो एक चीज़ है स्टोरी टेलिंग जो है, वो कला जो है, उसको जीवित रखने के लिए हम ये फेस्टिवल करते हैं, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के भी, बाहर से पूरी दुनिया के हम लोग बुलाते हैं स्टोरी टेलर्स, और वो अपने अपने कल्चर की डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ सुनाते हैं अपने अपने तरीके से। तो वो एक जो उसका जो संग्रह हो रहा है कहानियों का, उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग ये फेस्टिवल करते हैं। सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे सर, जैसे म्यूजिक शोज या आने वाले फिल्म्स? कॉन्सर्ट तो चलते रहते हैं, फिल्मों में गा रहा हूँ मैं, कुछ फिल्में अभी आने वाली हैं, इम्तियाज़ साहब की फिल्म है एक वो आने वाली है, उसमें भी मैंने कुछ गाया, रहमान साहब के साथ भी कुछ एक नया आने वाला है, होपफुली अगले 2-3 महीने में चीज़ें कुछ रिलीज होंगी, और मैं अपने संगीत पर भी कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ, वो भी, बल्कि एक गाना है जो उसका टीज़र हमने कल रिलीज़ किया था, रहमान साहब ने उसको वो किया, तो वो एक गाना है जो मैंने, एक मेरा कोलैबोरेशन है एक मंगोलिया के एक गायक हैं उनके साथ, और मैं मंगोलिया का
कल्चरल एनवॉय भी हूँ इंडिया के लिए। मंगोलिया की सरकार ने मुझे कहा कि आप हमारे कल्चरल एनवॉय बन जाओ, जिससे कि मंगोलिया की आप बात हिंदुस्तान में कर सको और हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट के साथ कुछ कर पाएँ। और तो मैंने उसी सिलसिले में पहला जो मैंने किया है वो एक मंगोलियन आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने एक गीत बनाया और वो भी अभी जल्दी रिलीज होने वाला है और उसके बाद सर। और मतलब जैसे काफ़ी सारे आपके मतलब आपके फॉलोअर्स हैं, काफ़ी टफ फील्ड है और कोविड के बाद तो काफ़ी पैसा भी नहीं था, मतलब जी जी पास पैसा भी नहीं था, मतलब अपना जो शौक है अपना हॉबी है उसको आगे ले जाने के लिए जी, तो काफ़ी टफ हो गया, मतलब चैलेंज हो गया कि इतने सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं और कैसे। लेकिन आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, हमेशा ही आर्टिस्ट तो होते ही हैं बहुत सारे, लेकिन आज की जो ये वक्त है आज का, इसमें एक आर्टिस्ट के लिए अपना काम लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान भी है, क्योंकि सोशल जो नेटवर्क है, मीडिया जो है, सोशल मीडिया है, आपका अपना फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, तो बहुत आसान है आर्टिस्ट को। जब मैं जब इस फील्ड में उतरा था तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई ये सब कुछ नहीं था, तो आपको एक स्टूडियो में जाके फिर कैसेट डेमो बना के किसी म्यूज़िक कंपनी को दिखाना है, फिर वो उसको आगे देखेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आज तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अभी गाना गाइए और रात को अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ा दीजिए, और अगर उस गाने में अच्छा है कुछ तो बहुत सारे उसको चाहने वाले आपको मालूम पड़ जाएगा और बहुत सारे आपको कमेंट्स आ जाएंगे और बहुत सारे ओपिनियंस आ जाएंगे, तो एक तरह से आसान भी है। और जहाँ तक सक्सेस जो होती है वो उसमें वक्त भी लगता है, इसीलिए आर्टिस्ट को अपनी धुन में रहना और सक्सेस को नहीं देखना। सक्सेस जो है वो एक उसका एक रिज़ल्ट है कि आप अपनी धुन में रहते हैं, आप अपना ओरिजिनल काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ कर रहे हैं, फोकस के साथ कर रहे हैं और संयम के साथ कर रहे हैं, पेशेंस के साथ, लेकिन उसके साथ फिर नाम पैसा वो सब वो एक उसका इफेक्ट है। जब लोग गाने को पसंद करेंगे तो फिर फेम पैसा वो सब साथ में फिर धीरे धीरे इकट्ठा होता है और उसमें वक्त भी लगता है। फेवरेट सिंगर में मैं जैसे फिल्मों की अगर आप बात करें जो, तो मेरे तो सबसे फेवरेट किशोर कुमार साहब हैं और उनके ही गीत मैंने सुन सुन के सीखा भी है उनसे, और एक तरह से मैं समझता हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग, जहाँ तक प्लेबैक सिंगिंग का सवाल है, तो किशोर कुमार साहब जो हैं वो एक तरह से गुरु हैं, मतलब कि आप उनसे सीख सकते हैं ऐसी। और मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं कहूँगा कि एआर रहमान साहब हैं, कि उनके साथ मैंने बहुत गीत गाए हैं और बहुत अलग अलग तरह के गीत गाए हैं और बहुत जिनका असर है आपके जहन पर, सोल पर, और लोग उन गीतों को बहुत पसंद करते हैं और ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं फिर वो गीत। तो वैसे तो सबके साथ मुझे काम करना अच्छा लगता है, एज अ प्लेबैक सिंगर, एज अ सिंगर यू नो, लेकिन अगर आप एक नाम लेंगे तो एआर रहमान साहब मेरे बहुत पसंदीदा हैं। उनकी उनका जो पर्सनालिटी है एज अ पर्सन वो भी मुझे बहुत मेरा ट्यूनिंग रहता है, क्योंकि उनका भी एक सुफियाना एक स्पिरिचुअल फील रहता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी कुछ कुछ वैसा ही है ज़िंदगी में जीने का तरीका, तो उनके साथ मेरा एक मुझे लगता है वो मिलता है हमारा ही। तो और को सिंगर्स तो मैंने बहुत सारे गाए हैं, डुएट्स भी गाए हैं, तो बहुत सारे हैं, श्रेया हैं, सुनिधि हैं। थैंक यू।